हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सपना सिखावत और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, जो मेरी आज की वीडियो होने वाली है, ये है हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। और जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर मैंने स्टार्ट करवाया था 10th क्लास का, सो उसमें जो मेरी पहले की जो वीडियो आई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड उसके बाद में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है स्टार्ट कर दिया था डीप पे पढ़ना। सो मैंने उस वीडियो में और क्या बताया था, मैंने जो बताया था आप लोगों को कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं कि किन किन के अंदर किस किस तरीके से जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। सो पहले हम पढ़ चुके हैं जो फिजन होता है। फिजन क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मल्टीपल फिजन होता है एंड बाइनरी फिजन होता है। सो हम इसका कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। एंड नाउ मैं आपको अब पढ़ाने वाली हूँ फ्रेगमेंटेशन के बारे में। सो स्टूडेंट देखिए, आप लोग इसके वर्ड से समझ जाएंगे कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब हुआ फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होना। ओके स्टूडेंट, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट देखिए, अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ फ्रेगमेंटेशन के बारे में। सो आप लोग पहले जान लीजिए कि फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, फिर मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू इसको समझाऊंगी एग्जाम्पल लेके। सो देखिए, जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये जो प्रोसेस है इसको कौन यूज करते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं ए सेक्सुअली। ओके जैसे कि स्पायरोगायरा हो गया। ओके इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सो स्पायरोगायरा जो है ये क्या है, एक टाइप का एल्गा है, सिंपल एल्गा हम इसको बोल सकते हैं। सो देखिए क्या होगा इसमें कि जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो मैंने आप लोगों को बताया वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जैसे स्पायरोगायरा। ओके अब ये जो स्पायरोगायरा वगैरह हैं ये क्या करेंगे, सच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग देयर बॉडीज इनटू स्मॉल पीसेस। देखिए मान लीजिए कि जो स्पायरोगायरा है उसकी जो बॉडी है कंप्लीट बॉडी वो किस में डिवाइड होगी, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होगी। ठीक है, अब उसको हर एक पीस को हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट। देखिए जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने छोटी सी लकड़ी ले ली। ओके और उस लकड़ी के हमने क्या कर दिए, छोटे छोटे पीसेस कर दिए। अब उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसका, स्पायरोगायरा का। सो स्पायरोगायरा जो होती है वो उसकी जो फुल बॉडी है वो ब्रेक होगी छोटे छोटे पीसेस के अंदर, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करना चाहती है, उसको रिप्रोडक्शन करनी है ताकि वो अपने जनरेशन को आगे कंटिन्यू कर सके। सो जो स्पायरोगायरा है उसकी जो बॉडी है वो डिवाइड होगी छोटे छोटे पीसेस के अंदर, और उन पीसेस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंट। ओके अब देखिए क्या होगा, दीज फ्रेगमेंट ग्रोन इंटू न्यू इंडिविजुअल, मतलब जो फ्रेगमेंट्स ब्रेक हुए थे अब उस हर एक फ्रेगमेंट से एक नए जो इंडिविजुअल है उसकी प्रोडक्शन होगी। एंड देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। उस जो जिस मोड के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब कि स्पायरोगायरा जो था एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो कंप्लीट बॉडी है जब उसको रिप्रोड्यूस करना है तो वो डिवाइड होगी छोटे छोटे पीसीज के अंदर, उसके हर एक पीस को हम बोलेंगे फ्रेगमेंट, और जो वो हर एक फ्रेगमेंट है वो ग्रो होगा एक फुली इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ओके अब हम इसका लेते हैं एग्जाम्पल स्पायरोगायरा का, कि स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है। एंड सी एनिमोन जो होता है, जो एनिमल फाउंड होता है वाटर में, वो भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करता है। सो देखिए स्टूडेंट, मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ आप लोगों को। सो ये है इसका डायग्राम कि ये जो है स्पायरोगायरा ऐसी कुछ दिखाई देती है। सो जो स्पायरोगायरा थी उसने डिवाइड कर दिया अपनी बॉडी को पीसीज के अंदर। ओके सो जो ये वाला पीस था ये एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो गई, और जो इस वाले पीस जो था इसका फ्रेगमेंट जिसको हम बोलते हैं उससे भी जो है न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो गई। सो सिंपल ये था फ्रेगमेंटेशन के बारे में। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि जो बडिंग होती है, बडिंग को क्या बोलते हैं, कैसे इसकी प्रोसेस होती है, कौन सा इसका अंदर एग्जाम्पल आता है। सो मैं आप लोगों का बताती हूँ बडिंग के बारे में। सो आई होप आप लोगों को फ्रेगमेंटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं जो दूसरी फॉर्म है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो क्या होती है, बडिंग। बडिंग का मतलब क्या है कि जैसे कोई चीज़ है उसका कोई बड निकल जाए, उसकी और छोटा सा कोई फॉर्म निकल जाए उसको हम बोलते हैं बड। ओके सो बडिंग से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, बडिंग से कैसे न्यू जनरेशन आएगी, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोगों से कोई डेफिनेशन इसकी पूछ ले तो आप लोग क्या बताएंगे कि बडिंग जो है मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल की क्या है, प्रोडक्शन है कहाँ से, फ्रॉम एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। मतलब कि जो पेरेंट इंडिविजुअल होता है उसकी आउट ग्रोथ से एक न्यू इंडिविजुअल की प्रोडक्शन हो जाना उसको क्या बोलते हैं, बडिंग। और जो आउट ग्रोथ होती है किसी पेरेंट की उसी को हम बोलते हैं क्या, बड निकलना। ओके सो जो बडिंग होती है इसके एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो बडिंग अकर्स इन ईस्ट, ईस्ट इसका एग्जाम्पल है, सम प्रोटोजोन्स,
सर्टेन लोअर एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा, स्काइफा एंड सेल्पा। तो अगर आपसे कोई 2 नंबर में या 5 नंबर में अगर कोई पूछता है आपसे कि बर्डिंग क्या होती है, तो सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एंड उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देंगे। उस एग्जाम्पल मैंने 3-4 बताए हैं आपको, कौन कौन से बताए हैं, ईस्ट है, प्रोटोजोन्स होते हैं, कुछ कुछ जो लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा, स्काइफा एंड सेल्पा, ये क्या होते हैं, बडिंग की प्रोसेस के थ्रू अपने न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब देखिए जो बडिंग की प्रोसेस है वो भी किसके थ्रू यूज की जाती है, जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा एंड ईस्ट। आई थिंक सब लोग हाइड्रा के डायग्राम से फेमिलियर हैं, छोटी क्लासेस में भी आपने हाइड्रा का डायग्राम साइंस की बुक में देखा होगा। सो अब हम पढ़ते हैं कि जो बडिंग की जो प्रोसेस है वो हाइड्रा के अंदर कैसे होती है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे इसका ईस्ट का। सो स्टूडेंट देखिए कुछ ऐसा सा दिखाई देता है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा की जो ये आपको दिख रही है छोटी छोटी ये जो प्रोजेक्शंस हैं, इनको क्या बोला जाता है, टेंटिकल्स। ओके, एंड ये क्या होती है, ये होती है बॉडी। ओके, अब जब कोई हाइड्रा, एक फुली डेवलप हाइड्रा है, जब उसको रिप्रोड्यूस करना है, अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है, सो क्या होगा, वहां पे एक बर्ड की जो है डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो मैंने दूसरे कलर से दिखाया है, जैसे मान लीजिए छोटी सी आउटग्रोथ हो गई है एक फुली डेवलप हाइड्रा की, इसको हम क्या बोलेंगे, अब जो ये वाला हाइड्रा इसको बोलेंगे हम पेरेंट हाइड्रा। ओके, अब यहाँ पे एक आउटग्रोथ निकली है जिसको नाम दे दिया गया है क्या, बर्ड का। ओके, कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि जो डेवलपिंग बर्ड था ये किसका रूप लेना स्टार्ट कर देगा, एक न्यू हाइड्रा की। ओके, सो ये न्यू हाइड्रा जो है इसकी बर्ड से ये बनने लग गया है। जब इसका टाइम कंप्लीट होगा इस प्रोसेस का, तो जो ये पेरेंट हाइड्रा था ये तो है अलग हो जाएगा, एंड जो न्यू हाइड्रा जो बनने लग रहा था वो अलग हो जाएगा। सो ये न्यू हाइड्रा है ये सेपरेट हो जाएगा अपने पेरेंट से। सो ये जो बना लास्ट स्ट्रक्चर, ये क्या करेगा, ये भी उसी तरीके की प्रोसेस शो करेगा। जब इसका समय आएगा रिप्रोड्यूस करने का, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे एक छोटी सी बर्ड निकलेगी, एंड वो बर्ड जो है टाइम के अकॉर्डिंग वो बढ़ना स्टार्ट होगी, एंड वो अपने इस वाले पेरेंट्स से क्या है अलग हो जाएंगे, एंड वो भी ऐसे जो है रिप्रोडक्शन करेंगे। सो ये जो रिप्रोडक्शन हुआ है इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट जो है रिक्वायर्ड था, सो उसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन हुआ है उसी को हमने नाम दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एंड जो ये हाइड्रा था इसने बर्ड के थ्रू रिप्रोडक्शन किया है, बर्डिंग के थ्रू, सो इसको हम बोलेंगे क्या, बडिंग। सो आई होप आप लोगों को ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। सो स्टूडेंट अब हम एग्जांपल लेते हैं ईस्ट का। सो मान लीजिए मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है, रफली स्केच बनाया है, ये क्या है, ईस्ट। अगर मैं आप लोगों को और अच्छे से दिखाऊं तो मान लीजिए ये है ईस्ट है ये। ओके, ईस्ट में ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये उसका है वैक्यूल, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, ईस्ट है। जब ईस्ट फुली ग्रोन हो जाती है, जब उसको रिप्रोड्यूस करना है, तो क्या होगा, जो ये ईस्ट जो ये पेरेंट ईस्ट थी, यहाँ से एक छोटा सा एक बर्ड टाइप निकलेगा, ठीक है, और जो ये न्यूक्लियस था ये भी हल्का सा जो है डिवाइड होगा। सो उसके बाद में क्या होगा, जब ये प्रोसेस का समय जाएगा, तो जो ये बर्ड निकला था ये अपने पेरेंट जो ये ईस्ट था इससे अलग हो जाएगा। सो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये क्या है, पेरेंट ईस्ट है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस जो था ये डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, और ये जो है डिवाइड होके बिल्कुल अलग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, जो ये पेरेंट ईस्ट था इसका न्यूक्लियस अलग होगा, एंड जो न्यू इंडिविजुअल की प्रोडक्शन करी है वो क्या हो जाएगा, अलग। सो ये दो ईस्ट बन गए। ओके, अब ये भी क्या होगा, जब ये ग्रो होगा तो सेम प्रोसेस जो है वहां पे होगी। सो क्या हुआ, एक सिंपल ईस्ट होता है, उसकी जब बड़ आता है उसके अंदर, जब वो रिप्रोड्यूस करने की टाइम आता है उसका, तो उसके अंदर से क्या होता है, एक बड़ निकलना स्टार्ट हो जाता है, और जो उसका न्यूक्लियस होता है पेरेंट ईस्ट का, वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, जैसे जैसे टाइम जाएगा, तो जो ये पेरेंट ईस्ट होता है इससे जो ये बर्ड निकला था ये एकदम जो है सेपरेट हो जाएगा, एंड उनके जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बिल्कुल सेपरेट हो गई और ये बन गया क्या, न्यू ईस्ट बन गया ये, ठीक है। और ये क्या था स्टूडेंट, पेरेंट ईस्ट था। सो पेरेंट ईस्ट से न्यू ईस्ट की फॉर्मेशन हो गई, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, बडिंग, मतलब बर्ड की थ्रू रिप्रोडक्शन होना। और ये रिप्रोडक्शन हम किसमें पढ़ने, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, सो ये होता है ईस्ट के बारे में। तो दूसरा डायग्राम मैंने ऐसे बनाया हुआ है, जैसे ये ईस्ट है, यहाँ से बर्ड निकला, और ये बर्ड जो है पेरेंट ईस्ट से क्या बन जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और न्यू ईस्ट की फॉर्मेशन कर देंगे, एंड आगे जो प्रोसेस ये चलती रहती है। इसीलिए जो है रिप्रोडक्शन जो है जरूरी होता है, ताकि किसी भी चीज़ की, किसी भी स्पीसीज की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की धरती पे एग्जिस्टेंस बनी रहे, उसकी जो वो है एकदम खत्म ना हो, इसलिए जो है रिप्रोडक्शन होना जरूरी होता है। सो स्टूडेंट अभी हमने पढ़ लिया है इस वीडियो में, फ्रेगमेंटेशन हम पढ़ चुके हैं, बडिंग पढ़ चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नेक्स्ट जो होता है, जो एक सेक्सुअल
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आती है वो क्या आता है, रीजनरेशन। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे रीजनरेशन के बारे में। सो जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो रीजनरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। सो कैसे, सबसे पहले आप लोगों को इसके नाम से पता लग गया होगा। जैसे मैंने और भी जो मैंने आपको पढ़ाया है पहले, उनमें भी आप लोगों को मैंने वर्ड से ही इनकी डेफिनेशन क्लियर कराई है। सो उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। सो रीजनरेशन, री का मतलब होता है दोबारा, एंड जनरेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो जो रीजनरेशन की प्रोसेस होती है वो सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलती है। एंड इसकी डेफिनेशन क्या है कि रीजनरेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि रीजनरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई इंडिविजुअल अगर अपना पार्ट, बॉडी पार्ट को लॉस्ट कर देता है किसी इंजरी की वजह से, सो जो उसका जो पार्ट लॉस्ट हुआ है वो कुछ टाइम के बाद जो है रीजनरेट हो जाता है, मतलब कि दोबारा बन जाता है। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रीजनरेशन। सो रीजनरेशन में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी विच हैव बीन रिमूव्ड एज बाय इंजरी। ओके, सो अगर मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, सब लोगों ने आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि जो लिजर्ड्स होती हैं, जो छिपकली जिसको हम बोलते हैं, अगर आपने देखा हो कि कई बार क्या होता है ना कि छिपकली जो होती है उसकी जो टेल होती है, मतलब उसकी पूंछ होती है, वो कई बार कट जाती है। सो आपने ये भी देखा होगा कि कोई छिपकली जो है, लिजर्ड जो है, उसकी टेल कट गई है। सो आपने ये देखा होगा कि जो कुछ कुछ छिपकली में, लिजर्ड्स के अंदर जो उनकी टेल लॉस्ट हुई थी वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर देती है। सो लिजर्ड जो होती है उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अपना जो उनकी जो टेल है अगर वो कट जाती है किसी इंजरी की वजह से, तो वो उसको अपने दोबारा उनकी रिजनरेशन हो जाती है। सो ये तो होता है कुछ जो मैंने आपको बताया ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि लिजर्ड जो है, लिजर्ड का जो टेल पार्ट है वो रिजनरेट हो जाता है। सो जो रिजनरेशन है वो कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलता है, लोअर प्लांट्स के अंदर, जैसे कि एल्गी, फंगी एटसेट्रा। ओके, और एनिमल्स में अगर हम बात करें तो हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, स्पॉन्जेस हो गए, ये इस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक डायग्राम से समझाऊंगी, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगी रीजनरेशन की प्रोसेस। सो देखिए, हमने पढ़ा था कि प्लेनेरिया और जो हाइड्रा होते हैं ये कुछ सिंपल एनिमल्स हैं, इनके अंदर रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। सो मान लीजिए कि एक फुली डेवलप्ड प्लेनेरिया है, किसी इंजरी की वजह से जो है ये डिवाइड हो गया तीन पार्ट्स के अंदर, मतलब एक ही इसका जो हेड वाला पोर्शन है, और ये मिडल वाला पोर्शन है, और ये क्या है इसका थर्ड वन जो है टेल वाला पोर्शन। ओके, सो हमने इसको नाम दे दिया पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। सो क्या होगा कि जो ये फर्स्ट वाला पार्ट था इसको अब किस किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको क्या मिडल पोर्शन की एंड जो टेल वाला पोर्शन उसकी ज़रूरत है ना। सो जो इसकी जो सेल्स हैं वो डिवाइड होंगी एंड वो फुली डेवलप्ड प्लेनेरिया बना देंगी। सेम तरीके से जो पार्ट टू है, जो मिडल है ये, इसको हेड वाले पोर्शन की ज़रूरत है और टेल वाले की। सो इसकी सेल्स डिवाइड होंगी देन वो किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, एक न्यू प्लेनेरिया की। और जो टेल वाला पोर्शन है इसको क्या चाहिए, इसको मिडल पोर्शन चाहिए एंड ऊपर वाला जो है हेड वाला पोर्शन चाहिए। जब वो सेल डिवाइड होंगी तो वो क्या बना देंगे, एक न्यू प्लेनेरिया की फॉर्मेशन कर देगी। इसका मतलब क्या है कि अगर प्लेनेरिया अगर तीन हिस्सों में ब्रेक हो जाता है, सो उसके तीनों हिस्सों जो है एक नए प्लेनेरिया की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, रीजनरेशन। मतलब कि रीजनरेशन में क्या हुआ कि किसी इंजरी की वजह से अगर प्लेनेरिया के तीन हिस्से टूट गए थे, तीन हिस्सों में अगर वो डिवाइड हो गया था, सो उसका हर एक हिस्सा जो है वो एक नए न्यू प्लेनेरिया इंडिविजुअल की जो है फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं बताती हूँ आप लोगों को हाइड्रा का एग्जांपल देके। सो हाइड्रा जो है, आपने देखा है हाइड्रा कैसा डायग्राम होता है, किसी कारणवश किसी इंजरी की वजह से ये हाइड्रा जो है ब्रेक हो गया टू पार्ट्स के अंदर, मतलब ये कि लोअर इसका इंडिविजुअल हिस्सा हो गया एंड ये अपर पोर्शन हो गया। सो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा कुछ समय के बाद में, जो ये ऊपर वाला पोर्शन जो था इसका एंड जो टेल वाला पोर्शन था, ये इनकी सेल जो है डिवाइड होना स्टार्ट होंगी और कुछ समय के बाद में एक नए हाइड्रा की फॉर्मेशन कर देंगे इसके ये दोनों पार्ट। ठीक है, सो ये होता है रीजनरेशन के अंदर। मतलब कि रीजनरेशन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट कर देता है, सो उसके अंदर जो है लॉस्ट पार्ट वो कुछ टाइम के बाद में वापस आ जाता है, सो उसको बोलते हैं हम रीजनरेशन। सो ये जो
जो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिन ऑर्गेनिजम्स की होती है उनके अंदर ये नहीं होता, ये सिर्फ सिंपल जो मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हमें ये देखने को मिलती है। सो जो लिजर्ड होती है उसकी टेल है वो दोबारा रिजनरेट हो जाती है, और मैंने जो सिंपल एनिमल्स आपको बताया ये प्लेनेरिया एंड हाइड्रा, इनके अंदर भी जो है रिप्रोडक्शन वो किस तरीके से होती है, रिजनरेशन की वजह से। सो स्टूडेंट ये था रिजनरेशन के बारे में। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को मेरे नोट चाहिए जो मैंने अभी यहाँ पे जो मैटर लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को इनकी फाइलें चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है बायोलॉजी विद सपना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंसन कर दूंगी। वैसे आप लोग याद रखना मेरा जो चैनल का नेम है उसी के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सो आप लोग अगर मुझे वहाँ पर फॉलो करते हैं और आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए तो मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगी। सो बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके और भी बहुत सारी फॉर्म्स रही हैं, अभी मैं आपको अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगी। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए एंड पढ़ते रहिए।